आप देख रहे हैं आपका चैनल लीडर निष्पक्ष। कर्नाटक में कांग्रेस व जेडीएस की सरकार बनने पर दून के पूर्व विधायक रामकुमार चौधरी ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कर्नाटक में ये ऐतिहासिक जीत वास्तव में लोकतंत्र की जीत है और तानाशाहों के रवैये को बहुत बड़ा झटका है। कर्नाटक में मैं समझता हूँ एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की जीत, लोकतंत्र की जीत, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ माननीय हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्री राहुल गांधी जी, ये सारा उनके अथक प्रयासों से संभव हुआ है। क्योंकि अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की जो धक्केशाही है राज्यों में, गोवा में और अन्य राज्यों में इन्होंने सरकारें बनाई हैं जहाँ इनके 2 MLA जीते हैं तो इनकी सरकार बन जाती है, मतलब मजाक लोकतंत्र का कर दिया। तो उसके चलते सम्माननीय हमारे जो प्रदेश देश का सर्वोच्च न्यायालय है उसने देश की कर्नाटका की जनता को न्याय देते हुए लोकतंत्र की मैं समझता हूँ रक्षा की है, जिसके चलते ये जीत जो है संभव हुई है। इसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के माननीय सभी केंद्रीय जो नेतागण हैं, सभी प्रदेशों के नेतागण हैं, उनको ज्ञापन देना पड़ा हर राज्यपाल को, और कांग्रेस पार्टी अब आगे के लिए सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है कि जहाँ जहाँ EVM मशीन का उपयोग नहीं हुआ वहाँ वहाँ कांग्रेस पार्टी की बढ़त मिली है, वहाँ जीत हुई है, और जहाँ जहाँ EVM का उपयोग हुआ है तो वहाँ पे कांग्रेस पार्टी हारी है। तो इससे सीधा सीधा मैं समझता हूँ कि ये मोदी और शाह जी की जो है वो एक बहुत सोची समझी चाल के तहत जो है इन्होंने ये काम कर रहे थे। अब मैं समझता हूँ कि आज से कर्नाटक में केंद्रीय गठबंधन की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, और 2019 के चुनाव में मैं समझता हूं कि ये 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकते। पूर्व विधायक ने EVM द्वारा करवाए जाने वाले इलेक्शन पर भी सवाल उठाए और समस्त भारत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर इसका विरोध कर आने वाले इलेक्शंस में EVM के प्रयोग को खत्म करने की मांग भी की। इस अवसर पर रामकुमार चौधरी ने अपने समर्थकों सहित खुशी व्यक्त करते हुए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को भी इस जीत की बधाई दी। अगर EVM मशीन का उपयोग जो है आने वाले लोकसभा चुनावों में ना हो, मैं अपील करता हूं हमारे सभी कांग्रेस के आला नेताओं से और अन्य जो हमारे संगठक दल हैं उनसे भी कि खुल के सड़कों पर आए, EVM का विरोध करें, ताकि इस जो लोकतंत्र को ग्रहण लगा है इससे देश को जो इनके चंगुल से छुड़ाया जा सके। मैं समझता हूँ कि गुंडागर्दी पूरी BJP ने जहाँ की प्रदेशों में सिखा रहे हैं वहाँ पे पूरी गुंडागर्दी है, लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिस्टम नहीं है, हर जगह रोज मर्डर बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं की रक्षा की ये लोग बात करते हैं और महिलाओं पर अत्याचार जो है सबसे BJP के नेता, इनके MLA, इनके मंत्रीगण जो है वो कर रहे हैं, ये बड़े शर्म की बात है। कांग्रेस पार्टी जब जब सत्ता में आई है गरीब आदमी के लिए योजनाएं बनी है, गरीब आदमी की रक्षा हुई है और गरीब आदमी का जो है वो उत्थान हुआ है, उनका उद्धार हुआ है, गरीब आदमी ने आगे बढ़ के उन्नति की है, जबकि BJP के राज में केवल और केवल बड़े बड़े जो हवाई जहाजों में घूमने वाले लोग हैं उनकी तरक्की, आप 4 साल हो गए बने हुए, आज पूरे 4 साल हो रहे हैं, 4 साल में उन लोगों की तरक्की हुई है जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं या बड़े बड़े सरमायों के, ऐसी लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो है इससे पहले कभी नहीं हुई, तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और कांग्रेस पार्टी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संरक्षण में जाने से आज लोकतंत्र की लाज जो है भारतवर्ष में बची है, इसके लिए मैं कांग्रेस पार्टी और हमारे सभी लोगों को बधाई देता हूँ। जय हिंद। मुकेश अग्निहोत्री, राम कुमार, वीर पत्थर, कांग्रेस पार्टी सुखविंदर सुखू जिंदाबाद। आप देख रहे हैं आपका चैनल, प्लीज सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मिलती रहे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन।